कहानी जादुई गोलगप्पे। राघव एक गरीब आदमी सी, ओ चाट दी रेड़ी लौंदा सी। ओदी पत्नी सीता राघव दी चाट बनाउन विच मदद करदी हुंदी सी। राघव उनू रेड़ी उत्ते ले जाके वेच्या करदा सी। सीता बड़ी सिद्धी सादी कुड़ी सी, ओ नाई बाहर आउंदी सी। राघव ते सीता दा एक मुंडा भी सी, चिंटू। चिंटू बड़ा ही शरारती सी। एक दिन दी गल है, सीता तेरे हत्था च जादू है सच्ची। तेरी बनाई हुई चाट सारिया नू एनी पसंद आउंदी है कि मैं की दसा तैनू। तू बड़ी स्वाद चाट बनाउंदी है। चाट बनाउंदी तू है पर ना मेरा हो जांदा है। हां तुसी ते मैं कोई वखरे वखरे थोड़ी हां। तुहाडी वाहवा हुंदी है, ए मेरे लिए बड़े माण वाली गल है। एई तां तू ना किते आउंदी जांदी है ते ना ही तैनू कुछ पता किसी बारे। बस तेरी दुनिया मेरे च ते चिंटू च बन के रह गई है सीता। मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा जी। राघव अते सीता दोवे एक दूजे नू बड़ा प्यार करदे सी अते दोवे ही एक दूजे दा साथ निभाउंदे सी। एक दिन दी गल है, राघव अपनी रेड़ी उत्ते चाट वेच के घर वापस आउंदा पिया सी। उदों ही एक गाड़ी नाल रास्ते विच टकरा जांदा है। उहनू बड़ियां सट्टां लगदियां ने ते डॉक्टर भी उहनू आराम करन दी सलाह दिंदा है। इह की हो गया तुहानूं? तुहानूं ते बड़ियां सट्टां लगियां ने, हुण साडा की होवेगा? चिंता ना कर सीता, सब ठीक हो जाऊगा। तू वेखी मैं कुछ दिनों विच ठीक होके अपने पैरों उत्ते खड़ा हो जावांगा ते फिर तेरी बनाई हुई चाट भी वेचण जावांगा। राघव हॉस्पिटल तो घर आ जांदा है पर वो काम उत्ते नहीं जा पांदा। हुण ते राघव दे घर विच खाण पीण दी भी दिक्कत आ जांदी है। हुण ते घर विच खाण दे भी लाले पै गए ने, ए काम उपर नहीं जांदे पए, इसलिए हुण असीं किस तरह गुजारा करांगे? तुसीं परेशान ना हो मां, असीं इस परेशानी दा कोई ना कोई हल जरूर लभ लवांगे। जे तुसी इस तरह हिम्मत हार जाओगे ते पापा नु कौन संभालूगा? पर बेटा मैं ते बाहर दी दुनिया वेखी नहीं है। जो तेरे पापा ने करन दे लई किया मैं ओही कीता। हुण कमाई दा कोई साधन ते लभणा ही पवेगा ना। कमाई किते होंदी नहीं पई पर खर्चे ते पूरे ने। तेरे पापा दी दवाई विच भी ते किन्ने सारे पैसे खर्च हुंदे पए ने। हुण ए सब मैं किस तरह करांगी? मां एक तरीका है। हाँ दस पुत्तर। मां तुसी पापा नु चाट बना के दिंदे सी, ओ ओही वेच के आंदे सी। हुण वी तुसी चाट बना दियो, मैं वेचन जावांगा। तुसी चाट बना दियो ते मैं गोलगप्पे वेचांगा। जेड़ा काम पापा करदे हुंदे सी हुण मैं ते तुसी दोवां मिलकर ओही काम संभालणगे। पर बेटा मैनू ते सिर्फ घर दे अंदर बह के चाट बनाउणी आउंदी है, मैं बाहर जाके किस तरह बनावांगी? कुछ नहीं मां, तुसी उत्थे भी उसी तरह काम करियो जिस तरह तुसी अपने घर विच करदे हुंदे सी। हुण सीता अते चिंटू राघव दी रेड़ी संभालण दा फैसला करदे ने ते दोवे रेड़ी लै के तुर पैंदे ने। सीता चाट बनाउंदी है ते चिंटू गोल गप्पे बना के लोकां नूं खवांदा है। ओए तू ता राघव दा मुंडा है ना? हां हां मैं उहनां दा ही बेटा। मेरे पापा दा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी करके ओ अजकल नहीं आ रहे। उहनां दी जगह असी चट वेचदे पए ने। ओ जिउंदा रहे, लिया जरा खवा चाट पुत्तर। चिंटू ते सीता उस आदमी नूं अपनी बनाई हुई चाट खवांदे ने। ओ आदमी तारीफ किते बिना नहीं रह पाउंदा। ओ वाह भाई, ए ते बड़ी स्वाद चाट है, बिल्कुल सच्ची जड़ी बूटियां वांगू लगदी है, चटपटी भी कमाल है। ओ किवें? ए गोलगप्पे मैं जदों तो खांदे ने ओदो दी मेरे ढिड दी पीड़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बड़े दिनों तो अपने ढिड दी पीड़ तो बड़ा परेशान सी ते हुण जदों ही मैं तेरे ए गोलगप्पे खादे ने खादे ही मेरे ढिड दी पीड़ बिल्कुल गायब हो गई है, जिवें कदी कोई पीड़ हो ही नहीं सी मेरे ढिड च। चिंटू अते सीता खुश हो जांदे ने। ए गल ओ आदमी हर लोकां नू वी दसदा है। कई लोग उस आदमी दी गल सुन के चाट खाउण आउंदे ने। ओ चाट ते खांदे ही ने पर गोलगप्पे खादे बिना नहीं रह पाउंदे। अरे वाह काके, तेरे गोलगप्पे दिया ते बड़ी तारीफ हुंदी पई है, जरा गोलगप्पे ते खवा सानू। हां हां किस तरह दे गोलगप्पे खावोगे? मैनू ते हिंग वाले गोलगप्पे खाने ने। हिंग वाले गोलगप्पे आटे वाले चाहिदे ने। चिंटू जिवें ही गोलगप्पे नू पानी विच पाउंदा है पानी हींग वाला हो जांदा है ते ओ उस आदमी नू खवा देंदा है। भाई वाह सच्ची तेरी रेड़ी दे गोलगप्पे ता बड़े ही स्वाद ने, एदी जिन्नी तारीफ कीती जावे ओनी घट है। ए किस तरह हो सकदा है ए आदमी इन्ने गोलगप्पियां दी इन्नी तारीफ क्यों करदा पिया है? मैं तेनू हींग वाला पानी भी नहीं दिता ते ए गोलगप्पियां विच हींग दसदा पिया है। इसी तरह चिंटू दे गोलगप्पे विकदे जा रहे सी।
पर ओदे गोलगप्पे खत्म होंदा ना ही नहीं लेंदे पैसी। मैं सवेर तो लेके शाम तक सारे नु गोलगप्पे ही खवांदा पिया, पर टोकरी विचो गोलगप्पे हजे भी खत्म ही नहीं होंदे पए। मैंने गोलगप्पे खवाए पर टोकरी हजे भी भरी हुई है। चिंटू ए गल सीता नु दसदा है तां फिर सीता भी हैरान हो जांदी है। चिंटू किते ए गोलगप्पे जादुई गोलगप्पे ते नहीं हैगे, क्योंकि गाहक जिस तरह दा गोलगप्पे दा पानी मंगदा है ए पानी उसे तरह दा हो जांदा है, ते इन्ना विकण दे बाद भी गोलगप्पे घट होंदा ना ही नहीं लैंदे पे। मैनू ते कोई गड़बड़ लगदी पई है, जरा मैनू भी गोलगप्पा दिखवा। हां मां आ लो। मैनू हरे रंग दा गोलगप्पा चाहिदा है। सीता दे हाथ विच हरे रंग दा गोलगप्पा आ जांदा है। ओ जिस तरह दा पानी मंगदी उस गोलगप्पे विच उसी तरह दा पानी आ जांदा है। चिंटू ए ते सच्ची मुच्ची जादुई गोलगप्पे ने, कदी खत्म ना होण वाले गोलगप्पे ने, ते इन्हां नू सारे लोग जेड़ी भी मंशा दे नाल खांदे ने ए उन्हां दी ओही मंशा पूरी कर देंदा है। चिंटू ते सीता दोवे गोलगप्पियां नू जादुई मन के बड़ा खुश होंदे ने। चिंटू सानू कमाई दा इक होर जरिया मिलिया है, हुण सानू इन्हां जादुई गोलगप्पियां दे मिलन दा घमंड नहीं करना चाहिदा, बल्कि सानू इन्हां जादुई गोलगप्पियां दे नाल दूजियां दी मदद करनी चाहीदी है। तुसी सही कहंदे हो मां, इन्हां गोलगप्पियां दी जिन्नू जरूरत होगी मैं उन्हां नू ए गोलगप्पे मुफ्त विच खवावांगा, ते इन्हां तो जेड़ी कमाई हुई है उन्हां नू समाज सेवा विच खर्च करांगा। चिंटू वैदा ही करदा है, उन्हां गोलगप्पियां नाल सारिया दी मदद करदा है, इसे तरह ओह सारिया दा चहेता बन जांदा है। एक दिन दी गल है, पिंड विच बाढ़ आंदी है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਟੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਗੱਪਾ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਗੋਲਗੱਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਟੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਟੂ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਤਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਦੂ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਿੰਟੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਵੀਂ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਬੀਬਾ। ਰਾਘਵ ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਟੂ ਰਾਘਵ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਧੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।